हेलो गाइस, मैं अविनाश बिगर गेमिंग। तो भाई साहब, आज हम लोग जो है एक नया गेम खेलने वाले हैं, जो कि है भाई कार फॉर सेल। ये है भाई असली गेम तो नहीं, मगर भाई ये थोड़ा डुप्लीकेट टाइप है, तो आप समझ सकते हो। हाँ, तो भाई अपन जो है मतलब डेवलप तो मोबाइल में नहीं हुआ है, तो ओरिजिनल वाला, तो भाई अपन जो है थोड़ा डुप्लीकेट ही खेलने वाले हैं। मगर हाँ भाई, आज हम खेलने वाले हैं कार फॉर सेल। तो भाई साहब, हम चलते हैं अब गेम की ओर। तो भाई हम आ चुके हैं गेम के अंदर, ओ भाई चलते हैं अपन। वैसे मैंने भाई स्टार्ट कर लिया था, मगर अपन करते हैं न्यू गेम, ओके। हाँ भाई, हमारा कोई बात नहीं, डाटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम एग्री करते हैं भाई। चलते हैं अपन फिलहाल गेम के अंदर, है ना। पर अपन आ चुके हैं, और भाई अभी जो ऑक्शन हो रहा है 12 बजे, मैं पैसे है तो मैं क्या करूंगा ऑक्शन में भाई, ये समझ में आ रहा। गो टू बस स्टॉप, सबसे पहले चलते हैं बस स्टॉप, ऐसा बता रखा है। और यहाँ पे फिलहाल अपना गैराज और ये अपनी पार्किंग स्लॉट, ओके, मतलब सॉरी सेलिंग स्लॉट है यहाँ पे, जहाँ पे अपन गाड़ियों को बेच सकते हैं। और यहाँ पे जो है अपनी गाड़ियों की डिलीवरी होगी, मतलब अपन जो है गाड़ी को कैसे भी, मतलब अभी फिलहाल मतलब कैसे भी अपन जैसे गाड़ी को डिलीवर कराएंगे, जैसे कि मतलब ट्रक के द्वारा, तो भाई वैसे होगा, है ना। रेजिडेंशियल चलना था, है ना भाई। फर्स्ट कार डोंट फॉरगेट टू बार्गेन, ये बोल रहा है भाई, तुम्हारी फर्स्ट गाड़ी लो तो बार्गेन करना मत भूलना, है ना। तो बार्गेन करना से बोलेंगे भाई, दुकान हम इंडियन से भाई, हम बार्गेन तो वैसे करते ही है, हर दुकान पर करते हैं। 3000 की मिल रही है। सबसे पहले भाई मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, उस गाड़ी को ले जाता हूँ लेने के लिए, बिकॉज भाई मुझे लग रही है 10,000 की होगी। रुक तो भाई, ये 7,000 की हो तो मजा। ओह भाई, 7,000 की है, बहुत बढ़िया गाड़ी मिल रही है 7,000 में। फिलहाल इसको ले, इसको बोलता हूँ कि भाई 6,900 दे रहा हो तो दे दे, वरना भाई 200 रुपये ज्यादा दे भी दूंगा। ओ भाई मिल गई, पहली गाड़ी मिल गई भाई, वो भी मात्र 1 मिनट में। भाई हम देख सकते हो 600 ले गए, है ना। तो भाई जो है अभी आज मंडे का दिन है, हाँ भाई मंडे का दिन तो है ऐसे। तो भाई जो है इसको डीलरशिप पे फटाफट भेज देते हैं, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और ऐसे पता नहीं कितनी दूर भी हो सकती है अपनी डीलरशिप पर। तो बस आ रहे, पता भी नहीं चल रहा है, इस कारण में आ जा रहा है। तो भाई हेड बैक टू द बस, भाई अपने जो बस स्टॉप पे चलते हैं वो भाई, अब फिर चलते हैं अपन अपने कार शोरूम, कार शोरूम पे चलते हैं वो भाई। अपनी गाड़ी जो मैंने बोला था आपको पार्किंग स्लॉट पे आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी आ चुकी है। ड्राइव द कार टू स्पेशल पार्किंग स्लॉट फॉर सेल, इसको जो है मतलब पार्किंग सेल स्लॉट पे अपन को रखना है ना, उसको सेलिंग स्लॉट भी कह सकता आप। मगर भाई हाँ भाई, गाड़ी पिकअप तो अच्छी, पिकअप अच्छा नहीं है, मगर गाड़ी स्पीड तो अच्छी पकड़ रही है, मगर हाँ भाई गाड़ी तो है अच्छी। तो भाई इसको डालेंगे, अब जो है अपने को पता है भाई कि इस साइड पे आता है अपना सेलिंग का, मतलब है अपने फीस रिकॉर्ड करना हो, सेल कार्ड करना हो तो भी आ रहा है। भाई यहाँ पे आ रहा है अपना शोरूम का नाम, तो भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या डाले भाई, देखो भाई अपना सबसे पहले आता है गुड पिकर, तो भाई अपन डालते हैं गुड भाई गैराज शोरूम, अपन कहा करते गुड शोरूम, गुड शोरूम भाई क्या नाम भाई, गुड क्या आगे सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे लिखते गुड शोरूम, ओके। तो यहाँ पे सेल करते, सेव करते और यहाँ पे सेल कार करते, यहाँ पे सेल करते, और मैं 6,900 मांगी थी, तो मैं चाहता भाई मुझे इस गाड़ी के मिले 10,000 रुपये, पहली गाड़ी भाई, पहली गाड़ी में 10,000 रुपये कमा लिया, या फिर 9,000 रुपये कमा लिया तो बहुत ज्यादा है वो, है ना। तो भाई ये अपना कुछ गुड शोरूम अपना है ना, और इस साइड पे कूड़ा कचरा पड़ा भाई, क्या है भाई ये। ओ भाई इसको अपन पैसे भी ले सकते हैं, ओ भाई 7,500 रुपये लगेंगे इसको पूरा क्लीन अप करने के लिए, मैं क्या करूंगा भाई इसको क्लीन अप करा के। वैसे अपने कोई बीच वीच वगैरह में तो आ नहीं रहा है, कस्टमर भी नहीं आ रहे भाई, ओ सूखा नहीं पड़ा भाई कस्टमर का। पहले कस्टमर आई है एक लड़की, जिसको गाड़ी की बहुत जरूरत है भाई, ये लगता है भाई 6,500 भाई, देखो 7,000 में ले लियो तो ले ले भाई 7,000 में, अच्छा भाई चल 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 जा, हाँ भाई सीधी चलेगी, उसको पता है भाई, अब तो भाई वो दे सकते हैं, तो सीधी भाग गई यहाँ से अपना भाई। स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम ये लिख चुका है गुड शोरूम, ओके भाई इसी बात पे लाइक कर देना, है ना। तो भाई जो है भाई पीछे से डेंट भाई बहुत अलग ही पड़ रहा है, नंबर प्लेट तो गाड़ी के आई नहीं है, वैसे लग रहा है वैलिड ना वो भाई। अरे कहना क्या चाहते हो, अरे कोई मिला का भाई, नंबर तो नहीं है गाड़ी के, आगे से भी आगे है क्या भाई, क्या पीछे चुप गई नंबर प्लेट खोल दी, मगर नहीं आगे से भी नहीं है, और होंडा की गाड़ी है ना। तो अभी जो एक और ग्राहक आई है, देखो उसने सोचा भाई मैं आ तो गई हूँ वापिस जाती हूँ, और देखो भाई ये लड़की वापिस आ गई भाई, ये लगती खराब है भाई, क्या करना चाह रही हूँ। ओ भाई इस बार तो 5,000 ही लेके आएगी भाई, तुम मेरे को दिमाग ला की चीज है कि नहीं है भाई, समझ में नहीं आ रहा, 7,000 डालता हूँ मगर नहीं भाई, इनको कुछ चला ही चाहिए। तो भाई अभी एक बंदा आया है,
देखते हैं बंदा भाई कितने रुपए देगा आपने को अपनी गाड़ी के। भाई 7,000 रुपए दे दे तो भाई बहुत है यार, 7,000 दे दे भाई। भाई देख दिमाग तुम्हें दिमाग ना की चीज है कि नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे कि भाई इतनी महंगी गाड़ी मैं को खरीद के लाया हूँ, उस पर डेंट भी ज्यादा नहीं है, फिर भाई इन लोगों को लेनी ही नहीं। तो भाई मीगा करो भाई, भागो यार भाई, मैं को नहीं कर सकता, अब तो तुम चले जाओ है ना। तो भाई अभी गाड़ी पे लेके थोड़ा बहुत नाश्ते फटाफट से और बंदे का इंतजार करते हैं, कस्टमर का इंतजार करते हैं। सही लो फर्स्ट कार, ये हट जाना चाहिए भाई, फर्स्ट कार को सेल जो नहीं कर पा रहे भाई, कोई तो लफड़ा हो रहा है। मैं भाई आके बंदे बहुत वो है भाई, जेबे भर के नहीं लाते भाई, जेबे लाते है खाली, फिर अपने से यार कम लगा के भाई गाड़ी ले जाते हैं, मगर मैं बेचने वाला नहीं भाई, प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा उसको उतनी मैं बेच दूंगा, मतलब जेब उतनी में इसमें लाया उसके 100-200 डॉलर ऊपर मैं खरीद लूंगा, मतलब ले लूंगा। फिलहाल तो भाई एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिलहाल अपना शोरूम के अंदर चलते भाई, जब तक अपना कस्टमर नहीं आया। तो भाई शोरूम जो है ऊपर से खुला है पूरा, बारिश आएगी ना सीधा पानी अंदर यहाँ भीग जाएगा पूरा, फिर यहाँ वाटरफॉल में मस्त नहाएंगे ठीक है। यहाँ पे 3 सोफा भी एक बीच में टेबल है, जो कि कभी कभी कस्टमर आ जाए तो इसमें नाचने के लिए कस्टमर गए ना। तो भाई मुझे यहाँ पे और यहाँ पे अपना ऑफिस है ना, यहाँ पे हम बैठ कर काम कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम काम करेंगे है नहीं, क्योंकि गाड़ी हमारी बिकी नहीं, पैसे हमारे आए नहीं, गाड़ी के लिए 2 कस्टमर आया भाई। काश ये बंदे दोनों ही जो है भाई गाड़ी की अच्छी प्राइस, अरे 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 क्या चाहिए भाई, गाड़ी को हिला डाला भाई क्या है। हाँ भाई ये बंदा अच्छा लग रहा है, शक्ल से अच्छा लग रहा भाई, देख कोर्ट से तो अच्छा नहीं लग रहा तू, मगर देख भाई अच्छी प्राइस दे दे इसकी, वो भाई 6,500 दे दी, रुक रुक भाई तक मैं 7,000 ऑफर करता हूँ, ले जा इसने में, ले जा चल खुश करता हूँ तुझे, मैं रिजेक्ट करता हूँ भाई। ये तो पता नहीं ये हैंग हो गई और इसको पूछता हूँ भाई, मैं रिफ्यूज डायलॉग हाँ इसको पूछता हूँ भाई, 6,300 में लेने के लिए तैयार है, मगर भाई क्या है भाई समझ में ना, 6,700 में लेने, छोटा भाई एक काम करता हूँ इस गाड़ी को मैं बेच देता हूँ, थोड़े बहुत बढ़ा देता हूँ, अरे 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 7,000 नहीं करना था, चलो भाई कोई बात नहीं, वो रिफ्यूज करता हूँ भाई, एक कस्टमर आ जाए ताकि मुझे थोड़ा बहुत कम करवा के गाड़ी बेच दूं मैं सीधा। ओके तो फिलहाल ये पता नहीं क्या है भाई, हम सोने का ऑप्शन सो जाते भाई, अपन सो के उठ चुके हैं और भाई ये बंदा है इसको मैं गाड़ी बेच दूंगा, बस बात खत्म। ये तो पता नहीं हैंग हो रखी इधर, और ये बंदा आ रहा है भाई, देखते भाई ये कितने में खरीद, खड़ी कंडीशन तो भाई देख अच्छी है, मेरे को नहीं कर सकता, 7,456 सबसे बेस्ट प्राइस मिली है, क्या कहा 7,000 भाई, हेलो 7,000 में लेने तैयार बंदा भाई, देखो तो 8,000 बोल के देखूंगा भाई, ओ भाई 8,000 में गाड़ी ले गया, ओ भाई 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई, चलो चलो एक गाड़ी और अच्छी बात पे जो है अपन लेके आते और तुरंत बेच देंगे ठीक है। चलते भाई थोड़ा बहुत घाटा खा लेंगे, मत कोई बात नहीं, चलते रजिस्ट्रेशन एरिया पे यहाँ पे अच्छी गाड़ी लगते हैं भाई, ये गाड़ी अच्छी लगी मुझे, डेंट नहीं है इस पे, एक है दो है चलो छत पे भी है एक और 3 है 4 5 मगर ठीक ठाक है ना, देखते भाई 3,000 लगा ले गाड़ी की, ओ चलो 7,000 भाई, देखो लूट मार मच रखी है भाई मार्केट में, गाड़ी देखता नहीं डायरेक्ट लेता हूँ काम करता हूँ, 3,000 बंदा मांग रहा है, 2,400 में डील फाइनल करते भाई, देख हाँ भाई डील फाइनल हो गई, इसको मैंने भेजा और एक मस्टैंग लेके आया बंदा भाई, देखते मस्टैंग की प्राइस क्या है, 55,000 डॉलर भाई, इतने पैसे समझ में ना भाई, इतने पैसे तो क्या तुम क्या कर रहे हो भाई, मैं इतनी पैसे लाऊंगा कहां से मेरी बात को। अब इसको बड़ा करते हैं टोक तो आप अपने अपने गिराज पे टोक कराते हैं, ऊपर भी चलते हैं बस के द्वारा है ना, चलते बस की ओर, ओ भाई यहाँ पे चलते हैं कार शोरूम पे, ओके शोरूम पे आ चुके हैं और यहाँ पे चलते हैं अपनी गाड़ी लेके भाई, वो पुराना वाला भाई, यहाँ पे गाड़ी और इधर बैठते गाड़ी, अरे भाई टोका करा रहा हूँ मैं, और फिलहाल तो जो है भाई फिलहाल तो जो है भाई हम गाड़ी को चलते हैं लेके सीधा वहां पे गाड़ी, मतलब जो है वहां पे मतलब सॉरी अपन चलते हैं वहां पे जहाँ पे अपन गाड़ी बेचते, तो यहाँ पे लगाई गाड़ी
अब इसको बेचने पे चलते ना, सेल कार करते हैं। तो भाई जो है अब ये अपन सेल कार कर देते हैं। 3,400 में लाया था और बेचूंगा भाई इसको 4,500 में। 55,000 का 4,500 जगह रुको, 4,500 भाई मुझे पता है इतने में गाड़ी बिक जाएगी और आराम से बिक जाएगी भाई। ये फेयर प्राइस है भाई, देखो आ जाओ, 1,000 रुपये ज्यादा मांग रहा, ज्यादा मांग नहीं रहा हूँ देखो। बाकी चलो भाई देखते देखते भाई काश 4,000 मिल जाए इस गाड़ी के तो भाई मजा आ जाए, 10,000 हो जाएंगे अपने डॉलर है ना। तो भाई जो है अपन एक कस्टमर आए, ये आए नहीं आई है भाई, जो आंदे थे भाई बहुत स्पीड में आते हैं, चल के देखो उससे बोल्ट की बहन है भाई ये देखो भाई देख इतनी तेज चल के आ रही, दौड़ के आता था। मगर भाई अब इससे पूछते हैं 4,400, बहुत बढ़िया प्राइस बताया इसने, 4,200 में डील फाइनल कर, हो गया भाई काम। तो भाई साहब मैंने बेच दी भाई दो की दो गाड़ियां, उसमें मैंने प्रॉफिट कमाया 2,000 का, पहले से 7,500, अब अपने पास 9,400। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उस फटाफट से वीडियो को जाकर लाइक कर देना है ना। तो भाई जो है अभी हमने भाई दो गाड़ियां बेची है, दो गाड़ियां लाई है, दो गाड़ियां लाके बेची है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।